राम नाम के भज के प्राणी जीवन सफल बनावा। मर्यादा पुरुषोत्तम के छवि अपने हृदय बसावा। राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा। श्री राम, जय राम, जय जय राम। आज के श्री राम कथा मेरे वालों के स्वागत बा। एकरा पहले प्रसंग चलत रहे, राम जी सुख आसन पर बैठल बानी, लखन जी प्रश्न पूछा तानी, प्रश्न में पूछनी कि कहो ज्ञान विराग अरु माया, ज्ञान काह वैराग काह माया काह भक्ति काह जीव ब्रह्म के भेद काह। इस सब बात भगवान एकर उत्तर लखन जी के दे रहल बने। विराग के बारे में कहनी कि ज्ञान मान जहां एक नाही, जहां ज्ञान मान कुछ नहीं के, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। माया के बारे में बतैनी, विराग के बारे में बतैनी, कनी के धर्म ते विरति जोग ते माया, धर्म ते वृति जोग ते ज्ञान। धर्म से वैराग उत्पन्न होला, जोग से ज्ञान आवेला। तो धर्म के व्याख्या होत रहे, जो न में धर्म के 10 लक्षण भगवान मनु कहने, वह बतावल जात रहे। धृति क्षमा दमोस्तेयम इन सोच इंद्रिय, धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण, धैर्य क्षमा संयम आस्तेय, पवित्रता इंद्रिय निग्रह बुद्धि विद्या सत्य क्रोध, ये सब धर्म के लक्षण है। जो न में एकरे पहले धृति और क्षमा की चर्चा भइल, दम के चर्चा होत रहे, मतलब दमन अर्थात संयम नियंत्रण जीवन के सुधार, एकरा के साधारण भाषा में संयम ही कहल जाए। चर्चा भइल कि चार प्रकार से जीवन में संयम आ सकता, इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम। जो धर्म के अगला लक्षण में इंद्रिय संयम आई, इनमें तीन को वाचल, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम। समय संयम का है? समय के सही उपयोग कइल, ओकर महिमा समझल, यह समय के संयम है। तो समय केकरा के कहल जाला? समय का है? अगर ध्यान से देखल जाओ तो जीव के जिंदगी के मतलब ही समय होला। हमने जो जियता नहीं, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, ये वर्ष का है, ये समय है। समय निकाल दियाओ तो जीवन के कोनो मतलब ही नहीं खे। समय ही जीवन बा। लेकिन जीवन के समय पालेला के बाद जीव इतना घोर माया में पड़ जाला कि ओकरा ना बुझाला कि समय जीवन है। ढेर लोग मिले ले कहले, पूछल जला का करता रहे, तो समय काटता नहीं। समय कोई काटे वाला चीज ना। संसार के माया मोह में छोटा छोटा
निम्न स्तर के काम में हमने उजराए रहनी है, और जो सबसे कीमती चीज जिंदगी के बाद समय, ओकरे खातिर कहनी कि समय काटता नहीं, समय कटला से कटात नहीं के, कैसे ये समय कटी, ऐसन ऐसन बात सुने के मिलेला। समय काटे वाला चीज ना हो, अगर हमने समय काटे के कोशिश करे तो समय हमने के काट दिए। समय जीवन हो, एकर महत्व समझे के चाहिए। ऐसे तो लोग कहला समय बड़ा बलवान भैया, समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा निर्धन या धनवान, समय बड़ा बलवान। समय की महिमा पहले समझे के चाहिए कि समय क्या। ऐसे तो कहला लोग कि समय रहते जगो साथी न किंचित देर हो जाए, समय रहते जगो साथी न किंचित देर हो जाए, सजाते ही रहे दीपक की जब तक भोर हो जाए। दिया सजाते रहगनी अनहरिया आग इलबा, रात ही में निकल गई, जिंदगी ऐसे ही निकल गई और समय की महिमा समझ ही ना पैनी। जीवन है समय, एकरा के अलग अलग तरीका से थोड़ा समझल जाओ। काली माई की मूर्ति रवा लोग सब के हो देखले हो के, काली माई की मूर्ति में का होला, ए पर अभी चर्चा हुई। एक बात याद पड़ गई कि एक जगह को प्रदर्शनी लागल रहे, प्रदर्शनी में सुंदर सुंदर निमन निमन फोटो लागल रहे, लोग जाए देखे खुश होके प्रशंसा करे और सराहना करे। वही प्रदर्शनी में एक बड़ा विचित्र अजीब टाइप के फोटो लागल रहे, वो फटुआ में एक आदमी रहे और आदमी के केस बहुत बड़ा बड़ा रहे और केसवा से उकर मुंह तोपायल रहे, गोड़ उकर उल्टा रहे और उकर देहिया में पंख लागल रहे, मुंह ना लौके गोड़ उल्टा रहे, शरीर में पंख लागल रहे। लोग चिहाए कि आखिर ये कौना जीव के फोटो है, ऐसन फोटो तो कभी देखनी ना। तो चित्रकार से पूछल गई कि काथी के फोटो बनाई ले बड़ा, तो चित्रकार कहले कि ये समय के फोटो है, इस समय के फोटो है, समय के गोड़ हमेशा उल्टा रहेला, उल्टे पांव भागेला। समय के चेहरा आज तक के संसार में केहू ना देखला, समय के चेहरा इस संसार में आज तक केहू ना देखलक, और ओकर पंख लागल रहेला वो फुर से उड़ जाला। एक छोट विराम लिया था, मेरे पर चर्चा आगे बढ़ी। श्री राम, जय राम, जय जय राम। राम कथा सुन, राम कथा। श्री राम, जय जय राम। समय के चर्चा होत रहल हा कि समय फुर से उड़ जाला। जे संसार में समय देवता के समझ रहलक, जीवन के महत्व समझ में ओकरा आ गईल और बुझली कि ये धरती पर अयला के मकसद पूरा हो। जे कितनो वैभव इकट्ठा कर लेलक, कितनो धन दौलत इकट्ठा कर लेलस, लेकिन समय के ना समझ पाइल वो हमेशा जिंदगी में पिछड़ जाला। काली माई के चर्चा होत रहला कि काली माई के मूर्ति रवा लोग देखले होके वो मूर्तिया में का रहेला, एगो देवी बिना कपड़ा के करिया पूरा और उनका रूप बड़ा भयानक, जीभ निकलल बा, हाथ में तलवार खप्पड़ बा, खोपड़ी के माला पहनले बड़ी, और नीचे शंकर भगवान सूतल बानी, छाती पर लात पड़ल बा, यही काली माई की मूर्ति। प्रसंग अलग अलग बा कि कोना असुर के मारे खातिर आदि शक्ति भवानी जगदम्बा ये रूप में आईली, और जब मारत मारत सबके काटत चल गई तो सृष्टि के विनाश होके के भय होके लागल, तो भगवान शंकर वही मार्ग पर जाके सुत गईनी और कहल जाला कि वहां का भसुर है काली माई के, शंकर भगवान जेठ हई,
तो जैसे वहां का लगे गैनी काली माई गोड़ जब छाती पर पड़ल हत लाज के मारे जीव निकल गई। यह कहानी बा, लेकिन एकरा के तनी दूसरा ढंग से समझल जाओ कि काली काल के स्त्रीलिंग का होला। काल के स्त्रीलिंग होला काली, और काल के जे बस में राखेला ओकरा के का कहला महाकाल। जे काल के बस में करेला ओकरा के महाकाल कहला, और काल के स्त्रीलिंग होली काली। तो काली मतलब टाइम, काली मतलब समय, क्षण क्षण पल पल जे काट रहल बा जिंदगी के सबके होके। उनका कोई भेदभाव नहीं थे कि असुरे के खाली कटाई, वहां जब कटाई शुरू हो गई तो असुर काटत काटत सुर भी कटाए लगल लो, बाउर काटत काटत निमनो कटाए लगल लो। ओकरे लगे जाके काली लजा जाली, शर्मा जाली, जे काल के बस में राखेला, जे समय के सदुपयोग करेला, जे टाइम पर सब काम करेला, समय के महिमा समझ के एक क्षण भी बर्बाद ना करेला, काली वही जा लजा जाली। समय के बस में राखे वाला महाकाल होला, ओकरे के शिव कहाला। तो समय जिंदगी के मूल आधार, जे समय के महिमा ना बुझलक जिंदगी खत्म हो गई। ऊपर कितना दुख के बात बा, कितना बड़ा नदानी बा। गांव में जाके देखी पड़ल बा लोग, ताश खेल रहल बा लोग, जुआ खेल रहल बा लोग, बैठल बा लोग, दारू पी के पड़ल बा लोग, जिंदगी कटाता। आ केहू केहू कहेला मरे के समय भगवान तनी और समय हमरा मिलित, तो मिलित तो काल कल दी, और समय मिलित रो तनी कि जिंदगी चल जाता। मर रहल बानी है भगवान, बड़ा जल्दी है मुआ देनी, 80 बरस में हम जा रहल बानी, तो अरुआ जियती तो का कर लेती। 60 साल के औसत उम्र में 20 बरस तो सूतिए की कल जाला। 20 बरस आदमी सूत लेवला, 4 घंटा नहाए धोए में चल गई, तब बुझली कि 10 बरस ऐसे ही चल गई। बुढ़ापा के 10 बरिस निकाल दी, 10 बरिस बचपन के निकाल दी, पूरा जिंदगी निकल गई। तो कब जिए ये संसार में, जे समय देवता के पहचान लग। स्वामी विवेकानंद 34 बरस में वहां के शरीर छूटल, 34 बरस की उम्र में शरीर छूटल, और इतना काम कलनी जितना में 100 बरिस वाला लोग कुछ ना करे। लाखों करोड़ों आदमी संसार में बाढ़े जो 100 साल जिए, लेकिन देखी तो जिंदगी में कुछ उनका 100 वर्ष में का कैले हुए, तो जोड़ला पर एक दो को निमन काम ना बुझाई। स्वामी राम तीर्थ 36 वर्ष में वहां का शरीर छोड़नी, संत ज्ञानेश्वर 18 साल में शरीर छोड़नी, जगत गुरु आदि शंकराचार्य 34 वर्ष में शरीर छोड़नी। समय के जो सदुपयोग करेला कम समय में भी बहुत काम हो जाला, और जेकरा आलस्य प्रमाद राखे के बाद तो 100 ना 200 बरिस जियस तो का कली है। और जे समय देवता के पूजा ना करेला ओकर महादेव कल्याण ना करेंगे। महादेव महाकाल है, समय के सबसे बड़ा देवता भगवान शिव है। समय के सदुपयोग होके के चाहिए। तो कैसे कर जाओ समय के सदुपयोग? हर आदमी के मन में इच्छा होला कि हम महान बन जाती, हम श्रेष्ठ बन जाती, हमरो नाम हो जाए। ये जिंदगी तो संग्राम है, और संग्राम कहीं और निखे करे के समय के उपयोग करे और ना करे के बीच के संघर्ष में सारा खेल समय के पकड़ल और समय के छोड़ल। समय के बड़ा भारी महिमा बा। स्वाति नक्षत्र में एक बूंद अगर जल के सीप में पड़ जाओ तो मोती बन जाला। समय पर वही नक्षत्र में पड़ी तो तनी आगे पीछे बढ़ी तो वो बूंद गिर जाइए कहीं बालू में तो सूख जाइए, और दूसरा नक्षत्र में पड़ी है तब होना हुई, तनी आगे पीछे पड़ी है तब होना हुई। सही समय पर स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में एक बूंद पड़ गई तो वो मोती बन जाला, केला में पड़ गई तो कपूर बन जाला। समय पर स्टेशन मत पहुंची तो ट्रेन छूट जाए, ट्रेन ना छूटी लोग कहला ट्रेन छूट गई, ट्रेन थोड़े छूटा था, रोवा छूट गई नहीं है। ट्रेन तो अपना टाइम पर आयल ही, और ट्रेन अपना टाइम पर चल गई है,
रउआ छूट गई बनी ट्रेन निखे छूटल, समय पर ना रहल जाए तो जिंदगी छूट जाए। ये जिंदगी एगो संघर्ष है। आए एगो छोट विराम लियाओ, फिर आगे पर विचार होई। श्री राम, जय राम, जय जय राम। कथा सुन राम कथा, श्री राम, जय राम, जय जय राम। समय पर स्टेशन ना पहुंचे तो रउआ छूट जाए, ट्रेन ना छूटी। ऐसे ही जिंदगी में अवसर होला। जॉर्ज बर्नार्ड सा बहुत बड़ा विद्वान भईनी इंग्लैंड के, एक बार लोग उनका से पूछलक कि रउआ महान आदमी बानी, विश्व मेरा और नाम बा, इन महानता पावे खातिर का करे के पड़ेला। हमनियों के मन में होला हमू महान हो जाती, बाकी यह सोचते सोचते में जिंदगी निकल जाला, तब तक बुढ़ापा आ जाला और कैसे महान बनल जाला ये बातें ना समझ में आए। बड़ा बड़ा महापुरुष लोग के देख के मन ललचाला कि काश हमू हो जाती, हमरो बाबूजी की इच्छा रहे कि हमरो बेटा हो जाए महान। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से पूछलक लोग कि रउआ महान बनी तो महानता के पीछे रहस्य का बा, तो वहां का कहनी कि उतने गुण सब केहू के भीतर बा, ये संसार में जे आइल बा सब लोग महान बा, लेकिन जे अवसर के पहचान लेलक, समय के पहचान के, सही समय पर सही निर्णय लेके सही काम कर देलक, वो एक ही अवसर, एक ही मौका ओकरा के महानता के उच्च शिखर पर पहुंचा ले। तो हम अवसर के कभी चुकनी ना, ऐसन बर्नार्ड सा कहले। तो लोग पूछलक कि कैसे रुआ बुझ गनी कि अवसर आ गई बा, कि हमने का तो बुझाइबे ना करला कि जिंदगी में अवसर कब आवता कब जाता, कि हमने का तो मौके ना मिलेला कुछ ऐसन करे के। तो वहां का कहनी कि अवसर के घोड़ा ऐसा कब आ जाए एकर कोनो भरोसा नहीं। जे जागृत बा, जे सावधान बा, जे संयमी बा, जे उत्साही बा, लागल बा हमेशा, जब अवसर के घोड़ा आयल तो सवार बा। तो कहले कि हम तो हमेशा कूदते रहनी, अवसर के घोड़ा आयल तो घोड़ा पर चढ़ल रही, ना आयल तब हम कूदत रही। ये इंतजार हम कभी ना कहनी कि कब घोड़ा आई देखे तब हम उठे फिर चढ़े। अवसर बड़ा अमोल चीज है। महानता के लक्षण हर जीव के अंदर बा। यही से गोस्वामी जी कहनी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, जिकरा के स्वामी विवेकानंद कहत रहने, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आदमी के अंदर दिव्यता बा, पूर्णता की संभावना बा, भगवान बने के बीज बा। तो महान बने में कौन देर लगत है, लेकिन जागे के चाहिए, अवसर पहचाने के चाहिए। संघर्ष जीवन में बा, लोग सोचेला काथी के संघर्ष है, भागत तनी, ट्राम पर चलत तनी, मेट्रो पर चढ़त तनी, दिन रात पैसा खातिर काम कर रहल बनी, यह संघर्ष। संघर्ष भीतर के है, संघर्ष समय के अवसर पहचान के ऊपर सवार हो जाए के है। तभी तो केहू लिख ले बा कि संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो किकरा से लड़े के बाद आओ लड़े, स्वयं से, कलुषों से, कलमसों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास, इतिहास देख देख के मन में इच्छा होला कि बन जाती हम महान हैं। तो कहल जाता कि इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा सिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों बनेगा, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो लड़ाई कहां बा, अवसर के साथ।
अवसर पकड़े के लड़ाई बा, महानता के मार्ग में बाधक का बा। समय बड़ा चीज है कहल जाला कि परमात्मा से बड़ा होला समय, भगवान से बड़ा होला समय। दरवा लोग कहे कि कैसन बात कह देनी, भगवान बढ़ई सृष्टि बनैले बनी, समय भी उहे के सब कुछ है। तनी समझे खातिर समझ ली कि भगवान से बड़ा होला समय। एक बार भगवान ना मिले तो फिर तपस्या करके पावल जा सकता, बकिर एक बार समय चल गई तो लौट के वापस नहीं के आ सकता। एक बार समय चल गई तो लौट के वापस नहीं के आ सकत, ऐसे भगवान से बड़ा बा समय। ये प्रसंग आगे और विस्तार से सुनावल जाई, समझावल जाई। कहे कि रामायण भागवत कथा पुराण सत्संग सब जीवन खातिर है, भगवान के कथा जीवन खातिर है। जीवन में का होके के चाहिए, धर्म भी जीवन खातिर है, धर्म के आधार बतावल जा रहल बा। आज के कथा यही जा विराम ली आई, कुछ देर हमने भगवान के नाम के कीर्तन साथ में कर लिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे।